सातपुले में बात मैं आ रहा हूँ चलो सातपुले में से आ रहा हूँ तो मतलब पैकिंग Gracias.
कभी नहीं बिकती है। भाग गया कोई सुन के से कल फिर आज कल आपका नुकसान होगा खुद से, कल दिखने नहीं चाहिए। अभी बंद कर दो उसको, ताला लगा दो, सुबह मंगाओ सामान और गाड़ी समेत पूरा उठा के ले लो। जो कोई पान बेचने की तो सिगरेट बेचने की दुकान है हाँ? नहीं यहाँ पे सिगरेट बेचने कोई वो है अटल है, ये सिगरेट बेचने की जगह है। ये नहीं कहाँ जूस पिलाओ, तो बंद हो गया ना फिर। तो फिर सिगरेट पान मसाला शुरू कर दिया? नहीं मैंने इसको ताला लगा और कल दिखने नहीं चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो आराम से कर।
खाएंगे, क्या फायदा। चलो भाई है ना, ज्यादा रश है। चलो चलो उधर चलो, इधर आओ इधर आओ, एक गड्डी इसे भी ज़्यादा मुझे लगता है 4 महीने होने वाले हैं जब से इतनी बार आके ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे ये स्टेट लैंड है, यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग आ रही है। पूरे शहर में जगह जगह पे तारपुलिन के रोज़ कोई ना कोई नया सब्जी वाला बैठ जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो शहर में ना फुटपाथ बचेगा, ना कोई चलने की जगह बचेगी, ना सरकारी ज़मीन बचेगी। तो उसके बाद एक कार्रवाई ये भी करी गई है कि सब्जी मंडी की एक लैंड आइडेंटिफाई करी गई है जहाँ पर जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, उनको वहाँ पर मार्किंग करके शिफ्ट किया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग भी मिला है। मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने सहयोग करके वहाँ पे अपनी रेडी लगानी शुरू करी है। बहुत सारे शहर के भी ऐसे लोग हैं जो इससे बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी कोर्ट रोड बिल्कुल खाली हो गई है, शहर थोड़ा खुला खुला दिखने लगा। एक मुखर्जी चौक ऐसा एरिया था जहाँ पर कुछ 3-4 लोग ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं जो शहर के अगेंस्ट चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो इसको खाली नहीं कर रहे थे बार बार कहने के बावजूद, जिसके कारण आज यहाँ पे हमें ये कार्रवाई मुखर्जी चौक पे करनी पड़ी है। इसमें भी मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें हमने किसी का कोई नुकसान नहीं करा है, किसी की मुझे नहीं लगता है कि सब्जी का एक पैसे का भी कोई नुकसान हुआ है। बड़े प्यार से उनको समझा के यहाँ से उनकी दुकान को हटा दिया गया है, और अगर वो दुकान लगाना चाहते हैं तो जो सब्जी मंडी में ज़मीन अलॉट हुई है वहाँ पर कल से लगा सकते हैं। डीसी साहब, आपने देखा कि आप जब आए तो आधे शहर वासियों ने और आधे ऊपर शहीदी चौक की अगर बात करें और ऊपर चौक की बात करें तो लोगों ने पहले ही हटा दी थी, रेडी पड़ी है। अब दोबारा जब आपका जब आप अगर अगेन दौरे पर आएंगे फिर हटा देंगे और दोबारा जो है सुबह ही लगती नजर आएंगे आपको। ये एक टीम हमने गठित करी है इसकी, और इनके दिन फिक्स करे हैं जिसमें कोई ना कोई अफसर रोज़ शाम को ये ऐसा दौरा करेगा, जो म्यूनसिपैलिटी के सीईओ हैं वो करेंगे, रेवेन्यू की तरफ से तहसीलदार एडीसी करेंगे, और बीच बीच में मैं खुद भी करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब और आप सबका सहयोग अगर रहेगा, देखिए इसमें ऐसा है कि अतिक्रमण करने में लोगों का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण तभी होता है जब आम नागरिक सपोर्ट सर, तो अगर आम नागरिक इसके अगेंस्ट अधिगम के जाएगा जिसमें कि एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कठुआ को हम एक साफ सुंदर और स्वच्छ कर सकते हैं। जैसे आप बाजार की बात करें वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पर उन्होंने भी जो है रेडी फड़ी लगाई है, चंद पैसों के लिए लगवाते हैं 500-1000 रुपए लेके, वो भी बाहरी राज्यों के लोग जो है वो भी अपनी रेडी फड़ी लगा रहे हैं, बल्कि आम जनता जो हमारे शहरवासी उन्हें लगाने नहीं दी जा रही है। जिसने भी कोई गलत रेडी फड़ी लगाई है, आज ये हमने शुरुआत 3-4 महीने से लगातार कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे, जहाँ पे भी कुछ गलत इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा।